नमस्कार बच्चों, राम राम। आज हम आपको मिलवा रहे हैं हमारे स्वास्थ्य परिवार के उन बच्चों से जो लगभग मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी 90% बातें मानने लगे हैं और एक प्रॉपर फ्लो में चलने लगे, और यदि ये इसी क्रम में बातों को मानते रहे तो ये CGL 2024 के लिए, और कुछ बच्चे इसमें ऐसे हैं जो स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं तो स्टेनो 2024 के लिए ये बच्चे अपनी जॉब को इंश्योर करने का पूरा लक्ष्य रखे हुए हैं, और लगभग इनमें से हर चेहरा रिजल्ट में अपने नाम को इंश्योर करेगा। ऐसी ढेरों कोचिंग आपने देखी होंगी, ढेरों संस्थान ऐसे देखे होंगे आपने जो रिजल्ट आने के बाद ही कहते हैं कि ये बच्चा हमारा है। हम इसके उलट एक परंपरा शुरू करना चाहते हैं कि जो बच्चे हमारे पास पढ़ने आए हैं, हमारे ऊपर भरोसा करके इनको पढ़ते हुए हमारे साथ लगभग 1 से 1.5 महीना हो गया है, और इस 1 से 1.5 महीने के अंदर इन बच्चों को ये बात समझ में आ चुकी है कि ये संस्थान किस दिशा में आपको ले जाना चाहता है। तो हम आज इस विश्वास और इस रास्ते के साथ आए हैं कि पूरी इंडस्ट्री को ही एक मैसेज दें हम कि जो भी बच्चे आपके पास पढ़ते हैं, आप पहले ही उनको उनके चेहरे की पहचान बनाइए, और जब रिजल्ट आएगा तो आपको ये कहना नहीं पड़ेगा कि ये आपका रिजल्ट था या किसी और का था। तो उसी कड़ी में आप ये मान लीजिए कि ये जो बच्चे मुझ पर भरोसा करके यहाँ पर खड़े हैं, इन बच्चों के सक्सेस के लिए भी मैं जिम्मेदार हूँ, और यदि इनमें से कोई फेल होता है तो भी मैं जिम्मेदार हूँ। लेकिन मेरी एक छोटी सी कंडीशन है जो मैं इनको भी स्पष्ट कर चुका हूँ और मैं यहाँ पर भी स्पष्ट कर रहा हूँ। अभी परीक्षा बहुत दूर है, लगभग 5 से 5.5 महीने CGL के लिए हैं, उसके बाद स्टेनो की परीक्षा है। तो जो ये परीक्षा इतनी दूर है, यदि उस समय तक ये बीच में एबसेंट होते हैं तो मेरी जिम्मेदारी है नहीं, लेकिन यदि ये 90% अटेंडेंस और जो मैं कहता हूँ उसका 90% मानते रहेंगे, जो कि पिछले 1.5 महीने से ये कर रहे हैं, यदि ये ऐसा करते रहेंगे तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि ये हमारे सारे के सारे बच्चे 2024 की जो CGL की परीक्षाओं के परिणाम होंगे उनमें अपना नाम लिस्ट में फाइनल कर देंगे। आज आप इन बच्चों के माध्यम से ही जानिए कि किस विश्वास और उमंग के साथ ये यहाँ पर खड़े हैं और कितना इनको लगता है कि ये लाइफ में डेफिनेटली बेहतर कर सकते हैं। चलो शुरुआत लड़की से करते हैं, पलक। पलक कहाँ से? ये बच्ची है हमारी पलक जो यूपी में प्रयागराज से आई है। लगता है हो जाएगा? क्यों नहीं लग रहा? लगना चाहिए, क्योंकि अभी आप फाइनली ये नहीं कह सकते हैं कि हो ही जाएगा, ठीक है। चलो एक कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका उत्तर ये सामूहिक रूप से देंगे तो मुझे लगता है वही अच्छा है, फिर आपको बताते हैं कि ये कहाँ कहाँ से आए हैं उसकी चर्चा भी करेंगे। चलो मैं सामूहिक रूप से आपसे सवाल पूछूंगा और आप सामूहिक रूप से ही जवाब देंगे, ठीक है, क्योंकि एक एक की आवाज में अभी आपको लगता है डर है ना, और फिर समय भी ज्यादा हो जाएगा। तो चलो अच्छा मुझे ये बताइए, क्या आप यहां पर आकर इस विश्वास को हासिल कर पाए, क्योंकि सबसे पहला पड़ाव होता है विश्वास हासिल करना। क्या आपको लगता है कि यहाँ की जो टीम है, जो टीचर्स हैं, मैं हूँ या मेरे साथी हैं, क्या वो आपको सही में एक सही रास्ते पर ले जा रहे हैं, या आपको लगता है कि अभी उस रास्ते में और ज्यादा काम करने की जरूरत है? क्या आपको लगता है कि इस रास्ते पर चलेंगे, इस गाइडेंस के साथ चलेंगे तो हो जाएगा? हो जाएगा। अच्छा मैं ईमानदारी से बताना, एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं सख्त हूं कि सॉफ्ट हूं? सख्त हूं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, डांटता हूं? मारता हूं? अब बताना, प्यार करता हूं? हमारे भले के लिए डांटता मारता हूं या मेरी फ्रस्ट्रेशन निकालता हूं? भले के लिए करता हूं। तो फिर ये तो प्यार हुआ, सख्त कहां हुआ? आपके पिताजी भी तो सख्त हैं घर में, लेकिन जब आप नशा करके आओगे तो डांटेंगे ना, तो ये सख्ती हुई कि उनका आपके प्रति केयर हुई? तो जो सख्ती होती है वो इनडायरेक्ट सॉफ्टनेस ही होती है। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये चलेगा कि मैं आप लोगों को कहूं जो मन करे वो करते रहो, कोचिंग ना आए हो, इधर उधर घूमते रहो, सुट्टे मारते रहो, अलाउड कर दूं? फिर तो ये चीज सख्ती नहीं है, ठीक है। पढ़ने में मजा आ रहा है? यस सर। डिसिप्लिन फॉलो करना थोड़ा सा मुश्किल है कि नहीं है, सही बताना? मुश्किल है ना? तो मुश्किल चीजें ही सफलता के उच्चतम स्तर पर आपको लेके जाती हैं, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, यहां आने से पहले इसको ये लग रहा था कि मेरा बिल्कुल नहीं होगा और अब लग रहा है कि हो जाएगा, कौन है? सभी लोग ऐसे हैं? अच्छा छूट भाई, अच्छा ये स्क्रिप्टेड नहीं है, इनको मैंने इनकी माँ की कसम नहीं दी है बस, बाकी चाहे अभी लाइव दे दूँ। मैंने पहले ही बोला है कि भैया झूठ नहीं, एक शब्द, क्योंकि
ये जब रिजल्ट आएंगे ना तो इनकी सक्सेस भी मेरी है और जब ये फेल होंगे तो इनकी फेलियर भी मेरी है, बस कंडीशन एक है कि 90% अटेंडेंस मुझे इनसे चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि चेहरे कौन कहां कहां से आए, माधव कहां से आया, अलीगढ़, यूपी अलीगढ़ से हमारा माधव है भाई। पलक हमारी इलाहाबाद से है, इलाहाबाद में बहुत सारी बड़ी बड़ी कोचिंग है लेकिन उसके बावजूद हिसार आके पढ़ रही है। ये ना इसकी जिम्मेदारी नहीं बढ़ी है, ये मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है कि इलाहाबाद जैसे शहर को छोड़कर एक बच्ची उसके पेरेंट्स मेरे पास छोड़ के गए हैं तो मेरा ट्रस्ट कितना बड़ा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए बिहार मोतिहारी यहां से कितने घंटे का रास्ता है, 1200 किलोमीटर, यानी कि यदि मोटा मोटा देखें तो ट्रेन में 12 14 15 घंटे इससे ज्यादा। हरियाणा सिरसा से इतना जोर क्यों लगा रहा है? ठीक है, देखो ये यहीं से है, ये हमारे बिल्कुल मतलब कोचिंग के आसपास के एरिया से ही है। ये या तो रिजल्ट निकाल लेगा और या मेरे से हाथ पैर तुड़वाएगा, थोड़ा सा इनडिसिप्लिन है, बच्चा बहुत अच्छा है, प्यार मुझसे बहुत करता है, मैं इससे बहुत करता हूं। अजीत सिंह चौहान उत्तराखंड से, उत्तराखंड में कहां से, देहरादून डिस्ट्रिक्ट, राजा जी नेशनल पार्क और कार्बेट नेशनल। याद रखना अजीत के घर पे कौन से दो पार्क हैं, और जिम कॉर्बेट भी पेपर में आता है और राजा जी भी पेपर में आता है, याद रखना। ठीक है, ये रोहतक से अक्षय हुड्डा साहब, हो सकता है भावी मुख्यमंत्री बन जाए और उन्हीं के समुदाय से ये हमारे अक्षय हुड्डा जी हैं। और शुभम, अब इसका तो नाम ही भूल जाता हूँ, तो राय बिहार से है, थोड़ा थोड़ा प्रेम में भी रहता है। ठीक है, मुझे सबकी सब बातें पता होती हैं लेकिन इसका प्रेम ठीक कर दिया हमने अब। ठीक है, और अब ये पढ़ाई के मजबूत रास्ते पर चल रहा है। और कहाँ है ये, तो हमारा अभी नया ही जुड़ा है, इधर आ जा, इसको मैं आगे लेके आया हूँ। देखो ये है हमारा भाई, बहुत ही प्यारा बच्चा, ये हमारे बैच का सबसे क्या टैग दो इसको, सबसे शरारती, सबसे ज्यादा छुट्टी मारने वाला, लेकिन इसको भी हम बहुत मजबूती से साथ लेके चल रहे हैं। ये पहले से बहुत सुधरा है, ये पहले एक फ्री एटमॉस्फेयर में रहा है, इसके बस की बात डिसिप्लिन फॉलो करना रेयरली नहीं थी, लेकिन अब तो बन रही है बात, है ना, डरना नहीं है, परेशान नहीं होना है और मतलब माननी तो पड़ेगी, और कोई ऑप्शन तेरे पास नहीं है। इसका सिलेक्शन नहीं हुआ भाई, ये इसकी भी जिम्मेदारी होगी क्योंकि डिसिप्लिन फॉलो करने में अभी कच्चा है, अभी कितने परसेंट मान लें ये निभाता है, 70% निभाता है ना, देख ले तेरी इज्जत बचा दी मैंने, 50 भी कह सकता था, ये 50 में भी हाँ भरते, आया ना, आजा पीछे। ये हमारी बच्चियाँ, ये स्टेनो की बच्चियाँ हैं दोनों, एक वो लड़का है जो स्टेनो की तैयारी कर रहा है, 100 नंबर की इंग्लिश आती है, फिर 50 की जीएस आती है, 50 की रीजनिंग आती है, पूरी कोशिश करेंगे कि इनको इतना सिक्योर कर दें कि स्टेनो में इन्हें कोई रोक ना पाए, शॉर्ट एंड इनकी क्लियर है। बाकी लगभग सारे टीजीएल 2024 का रिजल्ट है कि नहीं है, आजा आगे। ये सरदार जी हमारे शरीफ, देखिए इनका हमारी बच्चों की टीम में एक ऐसा नाम है जिसको लेते ही ना सबको मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इनका नाम है वाहेगुरु, पंजाब से है ये और नाम ही इतना अच्छा है, तो बैच के अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी भगवान की कृपा हमारे ऊपर वैसे ही है, तो रिजल्ट डेफिनेटली कन्वर्ट करेंगे। नैनपाल क्या हाल है, ये भी छुट्टी मारने वाला है, देखो नैनपाल अभी मतलब जो जैसा करता है वैसा बता रहा हूँ, ठीक है, हर महीने इनका सबका इंट्रोडक्शन आपको देता रहूंगा और आपको पता चलता रहेगा कि कौन सिलेक्शन के करीब जा रहा है और कौन दूर जा रहा है। अच्छा कितने लोग हैं जो मेरी नाक कटाएंगे, है कोई, कितने लोग हैं जो स्वास्तिक का पर्चा बुलंद करेंगे, तो करोगे, तो भाई इसी विश्वास के साथ जो इतनी दूर दूर से बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं और एक प्यार का एटमोस्फेयर कोचिंग के अंदर बहुत अच्छा डेवलप कर रहे हैं, बस भगवान से यही प्रार्थना है कि भगवान मुझे वो शक्ति दे कि इन बच्चों के विश्वास पे मैं खरा उतर पाऊं। और बस एक लास्ट सवाल से खत्म करता हूं, आपको कोचिंग में आके क्या लगता है, ये कोचिंग व्यापार है कि सच में कोचिंग है, सच में कोचिंग है, कभी ऐसी कोई बात महसूस हुई कि पैसा 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 कुछ है, किसी ने डेमो लिया तो हमने कभी ये कहा कि भाई डेमो ना लो, किसी ने 10 दिन लिया, किसी ने 5 दिन लिया ना बेटा, बस यही है
कि बिजनेस तो ये बिजनेस का पार्ट जरूर है लेकिन ये बिजनेस विद एथिक्स है। और आप सबसे, मैं एक बात यहां पर ऑनलाइन ही कह रहा हूं, आप सबके पेरेंट्स ने जिस उम्मीद से आपको भेजा है, आप लोग जिस उम्मीद यहां पर हो, आपको मेरा जो कह रहा हूं उससे भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन आपको पता बेटा, तुम सब मिडिल क्लास परिवारों के बच्चे हो, यदि गलती से तुम्हारे कंधे पर 3 स्टार लग गए, तुम सोच नहीं सकते कि तुम्हारी जिंदगी के अंदर क्या बदलाव आएगा। समझ पा रहे हो इस बात को? तो अभी तुम उस ताकत को समझ भी नहीं पा रहे हो जो ताकत तुम्हारा इंतजार कर रही है। और जिस दिन वो ताकत हाथ में होगी, जिस दिन 5 साल की सर्विस कंप्लीट हो जाएगी, उस दिन मुड़ के इस दिन को याद करोगे तो बहुत विजयी मुस्कुराहट चेहरे पे होगी और समझ पाओगे कि सर ने ये लाइन क्यों कही थी कि जो तुम तैयारी कर रहे हो ना जिस जॉब की, उसमें जो मिलने वाला है उसका नाखून के बराबर भी तुम महसूस नहीं कर सकते कि क्या मिलने वाला। यदि तुम इंस्पेक्टर भर्ती हुए, ASO भर्ती हुए, तो तुम इतने बड़े पद से रिटायर आओगे कि जब रिटायरमेंट आओगे और उसके बाद रिटायर होके भी एक सामान्य जीवन जियोगे तो साहब 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 की ही जिंदगी रहेगी। ठीक है, तो आज ये एक शुरुआत है और हर महीने एक वीडियो आप लोगों के लिए करता रहूंगा और जो परफॉर्मेंस होगी वो लाइव साझा करते रहेंगे हमारे यूजर्स के साथ भी और आपके पेरेंट्स के साथ भी। ऐसे ही पढ़ते रहिए और विश्वास बुलंद है कि नहीं है, अगले महीने इसी दिन तक हर बच्चा SSC में 200 में से 80 पार कर देगा। यस सर। शुरुआत है तो अभी 80 का ही टारगेट करते हैं। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए, ऐसे ही पढ़ते रहिए। किसी और को कुछ कहना है? नहीं, चलो जय हिंद जय भारत, वंदे भारत माता की। चलिए भाई।